एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज़ ये लेक्चर नंबर सेवन इसमें हम कवर कर रहे हैं मैरिज फैमिली एंड किनशिप वाला चैप्टर मैरिज हमारा कंप्लीट हो गया है अब क्या रहता है फैमिली एंड किनशिप आज की वीडियो में फैमिली इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी एम सी क्यूज बनते हैं इस टॉपिक से एंड देन लास्टली विल डिस्कस योर किनशिप बात ठीक है तो वीडियो सोल्यूशन में आज नहीं लेके आऊँगी मैं वो कल लेके आऊँगी बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अटैम्प्ट करें इस क्विज को काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखो आपने कितना भी पढ़ लिया हो अगर एग्जाम में आप तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकोगे जब तक आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पाओ तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस रेगुलरली अटेम्प्ट करने होंगे ठीक है इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली दिस इज माय ईमेल आईडी आई करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एज आई ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से विच इज य हाँ तो फैमिली होता क्या है जिसको आप घर बोलते हो ठीक है अब हमें देखना है सोशोलॉजिकली फैमिली क्या है इसके फंक्शंस क्या है इसके डिसफंक्शंस क्या है एंड देन किन थिंकर्स ने फैम फैमिली uh, को ले क्या बोला है टाइप्स ऑफ फैमिली क्या दिया है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट की हैं जो आप देखोगे जो आपको इस यूनिट uh, में देखने को मिलेंगे तो वो नोट डाउन करना याद करना एंड इट वुड बी बेटर अगर आप इन uh, मेरे वीडियो से अपने पर्सनल नोट्स बनाओ ठीक है फिर आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप कोई पी फॉलो कर रहे हो कोई बुक फॉलो कर रहे हो फिर आप उसमें एडिशन और कर सकते हो लेकिन ये हमेशा बेहतर रहता है कि अगर आपके अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर हों वो रिविजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा तो फैमिली अगर देखें बेसिक यूनिट ऑफ ऑलमोस्ट हर, हर जगह प्रेजेंट होती है, दो इसका जो है, का, वो हो सकता है अब कैसे डिफरेंट होगा फैमिली कैसे ऑर्गेनाइज है कि कितने लोग रह रहे हैं क्या न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या और कोई टाइप ऑफ फैमिली है इन इट्स डिग्री ऑफ ऑटोमी कितना फ्रीडम मिलता है इंडिविजुअल को फैमिली में ठीक है चीजों पे फैमिली आ, मना करती है किन चीजों को वो प्रमोट करती है क्या टैबूज हैं फैमिली में दैट मींस कौन सी चीजें मना होती हैं बाय विच इट इज प्रोटेक्टेड एंड पर्पेचुएटेड ठीक है तो ये सारी चीजें इन चीजों में वेरी कर सकती है फैमिली लेकिन क्या फैमिली एक यूनिवर्सल चीज है हाँ फैमिली यूनिवर्सल चीज़ है क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो एवरी सोसाइटी में एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा जो अर्ली इन क्लासिकल डेफिनेशन है दैट द फैमिली वॉज अ ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिज ठीक है आप कैसे फैमिली बनाते हो उसके लिए आपको शादी करनी है एक कॉमन रेजिडेंस होगा आप जहाँ इकट्ठे रहोगे इमोशनली कनेक्टेड होगे गए मेम्बर्स के साथ स्टिपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज आप डोमेस्टिक सर्विसेज क्या करोगे डिवाइड करोगे कौन कौन सा काम कर रहा है द फैमिली हैज ऑल्सो बिन डिफाइंड एज अ ग्रुप बेस्ड ऑन मेरिटल रिलेशन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पेरेंट हुड कॉमन हैबिटेशन दैट मीन्स एक जगह रहना एंड रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिनके बेस पे आप क्या करते हो फैमिली को आप डिफाइन कर सकते हो एज ए ग्रुप जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं एंड इन रिटर्न बच्चे जो है वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी कुछ करते हैं तो ये फैमिली का एक बेसिक ये हो गया इंट्रोडक्शन ठीक है देखो आप जो सी एन शंकर राव मैंने अपलोड करा है इस पर आपके टेलीग्राम ग्रुप पे उसमें आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा अगर आप फैमिली चैप्टर देखोगे तो अलग अलग थिंकर्स की कुछ डेफिनेशनस भी होंगी वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो क्या है वो सिंपली आपको बस उसके क्या करना है याद रखने के लिए जैसे आपने मैकाइवर है जैसे एक थिंकर ठीक है उनने कुछ डिफाइन किया है फैमिली को अब अगर आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे डेफिनेशन का कोई एक कीवर्ड होगा पर्टिकुलर सा कीवर्ड जो आप निकालोगे वैसे करके आप थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करोगे किस थिंकर ने फैमिली के बारे में क्या कहा था तो ऐसे करके आप वहाँ पर एग्जाम में अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आपको क्लिक हो जाएगा ठीक है तो मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया वो जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो अननेसेसरी वीडियो को लंबा करता है क्योंकि वो वैसे भी आपको खुद ही याद करना है उससे मैं आपको कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती तो वो आप पीडीएफ से देख लेना जो वर्ड फैमिली है ये लैटिन वर्ड फैमिली से डराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सर्वेंट जिसमें आपको सर्व किया जाता है रोमन लॉ में द वर्ड डिनोटेड अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड स्लेव्स एंड अदर सर्वेंट्स एज वेल एज मेंबर्स कनेक्टेड बाय अ कॉमन डिसेंट और मैरिज ठीक है ये सारे लोग जो किसे कनेक्टेड थे कॉमन मैरिज से या उनकी कॉमन लीनियज थी ठीक है ओरिजिनली फैमिली ऑफ अ मैन वुमेन विद चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स तो ये जो बेसिक ओरिजिनल डेफिनेशन है किसकी फैमिली की एंड इसको एक लैटिन वर्ड से लिया गया है फैमिले से अब देखो ये जो सोर्स है वीडियो का एक तो वो सी एन शंकर राव है ठीक है एक नो मटीरियल है एंड देन कोई इंपॉर्टेंट अलग पीडीएफ भी है जिसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो उसके लिए अगर पीडीएफ कोई मुझे लगे आपके लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी इसलिए टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करें उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी कुछ थोड़ा सप्लीमेंट्री मटीरियल हैंड वगैरह मैं उसमें आने वाले टाइम में अपलोड करती रहूंगी अब हम देखते हैं अलग थिंकर्स ने थोड़ा क्या बोला है फैमिली के बारे में अब देखो आप जहाँ सोशोलॉजी पढ़ रहे हो ना जैसे आप साइंस पढ़ते हो ठीक है आप आप साइंस के कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहाँ क्या होता है आपको कि साइंटिस्ट के नाम आपके लिए जानना जरूरी है आपको पता होना चाहिए बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट नाम वैसे ही सोशोलॉजी में आपको थिंकर्स मिलेंगे या आप उसको सिंपल टर्म में कुछ सोशल साइंटिस्ट बोल लो रिसर्चर बोल लो सोशल रिसर्चर जिन्होंने सोसाइटी के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स पे रिसर्च की है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जैसे फैमिली जहां पे आता है वहां पे जॉर्ज पी मड्रॉक जी जीपी मड्रॉक जो है वो एक इंपॉर्टेंट नाम है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपके एग्जाम में आ जाएँ कि जीपी पी मड्रॉक ने फैमिली को लेके क्या बोला है फैमिली के कौन से फंक्शन जीपी पी मड्रॉक ने दिए हैं ठीक है तो ये आपको नाम याद रखने होंगे आई नो जो सोशोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा ये हो जाता है बोरिंग भी हो जाता है और आ, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे सारी चीज़ें पढ़ना बट देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन क्योंकि ये एग्जाम आपका खुद का चूज़ किया हुआ है अगर आपको वो पोस्ट चाहिए तो आपको ये सारी बोरिंग चीज़ें भी याद करनी पड़ेंगी तो जी पी मडरॉक ने हमें चार इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए थे जो फैमिली करती है सर्व बाय न्यूक्लियर फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली है ना ये सेंटर इसको माना जाता है न्यूक्लियस माना जाता है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि एटलीस्ट न्यूक्लियर फैमिली जो है ये हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है एक मेल फीमेल प्लस माइनस चिल्ड्रन ठीक है बच्चे हो ना हो और एक मैरिड ये होता है कपल मेल एंड फीमेल तो क्या उन्हें फंक्शन दिए थे इसके फैमिली के ये रेगुलेट करता है आपके सेक्सुअल रिलेशन अकाउंट्स फॉर द इकोनॉमिक सर्वाइवल जिसमें आप इकोनॉमिकली प्रोवाइड करते हैं हस्बैंड प्रोवाइड करेगा वाइफ को या आजकल दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस वो कहाँ रेगुलेट होता है कंट्रोल होता है फैमिली में एंड सोशलाइजेड चिल्ड्रन सोशलाइज अगेन मैंने सोशलाइजेशन पहले लेक्चर में आई गेस आपको बताया था कि सेकेंड लेक्चर में आई आई डोंट रिमेंबर कि सोशलाइजेशन क्या होता है जो वैल्यूज आप सिखाते हो अपने बच्चे को डूज एंड डोंट्स ये आप सोशलाइजेशन में याद रख लेना आप डूज एंड डोंट्स सोसाइटी के अपने बच्चे के अंदर डालते हो कि आपको बेहतर इंसान बनने के लिए ऐसे बिहेव करना है ठीक है ये तो बेसिक चीज है ना आप अपने बच्चे को समझाते हो कि विश करो गुड मॉर्निंग बोलो सलाम करो ठीक है ये होता है स्लोली आप बच्चे को सोशलाइज करते हो ताकि आगे जाके वो सोसाइटी का एक अच्छा प्रोडक्टिव मेंबर बन सके अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फैमिली के एक मेटिंग रिलेशनशिप होती है एक सेक्शुअल रिलेशनशिप होता है मेल और फीमेल के बीच में तभी एक फैमिली जो है वो बनती है सिलेक्शन ऑफ मेट्स कैसे आप अब, सिलेक्ट अब करते हो अपने मेट्स को वाइफ और हस्बैंड में बी सिलेक्टेड बाय पेरेंट्स एल्डर्स और चॉइस ठीक है और वेरियस रूल्स गवर्न दिस सेक्शन ये हमने मैरिज वाले कॉन्सेप्ट में किया है लास्ट वीडियो में मैरिज वाले चैप्टर में ही वहां से आप देख सकते हो फॉर्म्स ऑफ मैरिज द मेटिंग रिलेशनशिप जो है इज थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ये क्लियर है मैरिज जो है इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मेड बाय द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू विद जो इंडिविजुअुअल होते हैं वो मैरिटल रिलेशनशिप्स इस्टैब्लिश करते हैं मैरिज आपकी मोनोगी पॉलिग्रामी पॉली एंड्री और ग्रुप मैरिज भी हो सकती है जिसका दूसरा नाम क्या है सीनोगी ये भी हमने मैरिज में डिस्कस कर लिया मोनोगी में क्या होता है एक एक पॉलीग्रामी इज मेनी जिसके फर्दर टाइप्स है पॉली एंड्री एंड पॉली गाइनी ठीक है पॉली एंड्री मीन्स मेनी मेल्स एंड पॉलीगाइनी मीन्स मेनी फीमेल्स एंड वन मेल इसमें हो गए पॉली एंड्री मेनी मेल्स एंड वन फीमेल ठीक है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है अब फंक्शंस ऑफ फैमिली ठीक है हमने अभी तक क्या देखा जीपी पी का आप देखते हैं किन्सले डेविस का इन्होंने चार फंक्शन बोले रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन ये चार फंक्शन है आपको आपकी मेंटेनेंस चाहे वो इकोनॉमिक मेंटेनेंस हो इमोशनल मेंटेनेंस हो रिप्रोडक्शन वो फैमिली करती है प्लेसमेंट आपको इकोनॉमिकली कहीं Uh, आपकी एजुकेशन होती है ठीक है वो आपको फैमिली प्रोवाइड करता है फिर इकोनॉमिकल प्लेसमेंट आपकी कहीं करवाता है फैमिली की आपकी जॉब वगैरह जहाँ भी लगे उसका जो बैक uh, एंड पे सारी स्टोरी है आपको वहाँ तक पहुँचाने की आपको सोसाइटी में एक अच्छा मेम्बर बनाने की वो फैमिली तक है क्योंकि फैमिली आपको सोशलाइजेशन करती है ठीक है फिर आपको पढ़ाती लिखाती है तो जो आपकी प्लेसमेंट होती है एज अ मेंबर इन सोसाइटी वो किसका फंक्शन है फैमिली का एंड आपकी सोशलाइजेशन अकबर एंड निमकॉफ ने चार फंक्शन दिए थे, थे फैमिली के अफेक्शनल एक बॉन्ड इमोशनल कौन जो होता है मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक ठीक है इकोनॉमिकली आपको प्रोवाइड करती है रिक्रीशनल रिक्रीशनल होता है वो फन एक्टिविटीज वगैरह फेस्टिवल्स आप करते हो गैदरिंग्स वगैरह वो सारी चीजें करके आपका मूड हमेशा अपलिफ्टेड रखना वो भी फैमिली का फंक्शन है प्रोटेक्टिव आपको प्रोटेक्ट करती है रिलीजियस चीजें आप में कौन डालता है बचपन से आपकी फैमिली एंड एजुकेशनल फंक्शन भी वो किसका है फैमिली का रीड ने डिस्क्राइब किए हैं चार फंक्शन ऑफ फैमिली रेस पॉपुचुएशन आपकी रेस आगे बढ़ाती है सोशलाइजेशन अगेन रेगुलेशन एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ सेक्शुअल नीड्स वो भी फैमिली करती है एंड इकोनॉमिक फंक्शन तो ये सारे फंक्शन आप याद करोगे या इट वुड बी बेटर आप क्या करो अपना रफ नोट लो फिर ऐसे जी पी मोडॉक लिख लो ठीक है उनके चार फंक्शन यहाँ पे ऐसे कर दो फिर किन्सली डेविस उनके फंक्शन ऐसे लिख लो ठीक है फिर ऑपगन एंड निमकॉफ के छह ऐसे करो तो ऐसे करके आप चार्ट एक बनाओ अपने रफ नोट्स पे तो फिर क्विक uh, रिजन के लिए वो आपके काम आएगा मेकाइवर क्लासीफाइज असेंशियल एंड नॉन असेंशियलेंशियल को हम प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं एंड नॉन असेंशियल को सेकेंडरी फंक्शन भी बोलते हैं अब प्राइमरी और एसेंशियल हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी फैमिली कर रही है अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हूम मेकाइवर जो असेंशियल फंक्शन हैं वो कौन से आते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड ठीक है Stables, प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन वो भी फैमिली करती है एंड प्रोविजन ऑफ ए होम वो आपको कौन प्रोवाइड करता है आपका जो आपकी फैमिली होती है वो तो ये तीन फंक्शन जो है वो एसेंशियल फंक्शन कहें हैं अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एसेंशियल एंड नॉन असेंशियल फंक्शन वॉज गिवन बाय होम तो आपको चार नाम दिए होंगे आपको पता होना चाहिए वो मेकाइवर ने बोला है अंडर द नॉन असेंशियल फंक्शन उसमें आ गए फिर बाकी सारे रिलीजियस एजुकेशनल इकोनॉमिक हेल्थ रिक्रिएशनल एंड अदर फंक्शंस तो बेसिकली आपको क्या करना है मेकाइवर ने जो असेंशियल फंक्शन तीन दिए हैं पहला हो गया सेक्शुअल दूसरा हो गया आपका रिप्रोडक्शन एंड तीसरा हो गया आपका प्रोविजन ऑफ होम तो ये आप याद रख लोगे ये असेंशियल हो गए बाकी अगर कोई भी आता है वो नॉन असेंशियल कैटेगरी का होगा एंड असेंशियल एंड नॉन असेंशियल किसका पार्ट था मेकाइवर का प्राइमरी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फैमिली ठीक है तो कौन से हो गए जैसे मकाइवर ने असेंशियल बोले थे वही प्राइमरी फंक्शंस होते हैं अब हम जनरल प्राइमरी फंक्शंस देखते हैं फैमिली के क्या होते हैं लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिक नाम दिया होगा मकाइवर तो फिर तीन ही असेंशियल uh, फंक्शन उसमें आएंगे स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेटिस्फेक्शन नीड्स रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चाइल्ड प्रोविजन ऑफ होम फैमिली एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन एंड एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ये सारी आई होप आपको क्लियर होंगी मैं आपको बार बार ये चीजें बताती रहती हूँ कल्चर ट्रांसमिट कौन करता है कल्चर ट्रांसमिशन आपकी फैमिली करती है फैमिली आपको कल्चर सिखाती है ना जब आप पैदा हुए हो तो आपको थोड़ी पता होता है आपके घर का क्या कल्चर है क्या वैल्यूज बिलीफ्स हैं ठीक है वो सारी चीजें आपके अंदर कौन डालता है फैमिली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टेटस एस्क्राइबिंग फंक्शन देखो फैमिली में आपको एक स्टेटस जो भी आपको प्रोवाइड होता है वो बाय बर्थ होता है तो जहां पर भी आप एस्क्रिप्शन देखोगे फैमिली इज रिलेटेड टू यर एस्क्रिप्शन ठीक है फैमिली आपकी मटीरियल अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती है आपको जो पैदा होने का एक फैमिली में होने का स्टेटस एक बेटा बनते हो आप पहले फिर जाके फादर बनते हो सिबलिंग बनते हो वो सारे स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है फैमिली और वो एस्क्राइबिंग फंक्शन हो, होता है तो आपको दो फंक्शन याद रखने होंगे दैट इज बेस्ड एंड अचीव इज यो आपकी अचीवमेंट्स होंगे आपके मेरिट के बेसिस पे ठीक है तो ये हो गए कुछ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द फैमिली आगे चलते हैं देखते हैं सेकेंडरी फंक्शंस इकोनॉमिक एजुकेशनल, रिलीजियस एंड रिक्रिएशनल ये कौन से हो गए आपके सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैमिली ठीक है ये हमने डिस्कस करे क्या होते हैं अब हम कुछ ओरिजिन देखते हैं फैमिली के थियोरी ऑफ ऑरिजिन फैमिली थियरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म एक था तो ये क्या बोलते थे जो अर्ली अर्ली सोसाइटीज थी आपकी प्रिमेटिव कम्यूनिज सोसाइटीज थी उनमें कोई सेक्सुअल रिलेशन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं थी सेक्सुअल प्रोमिसक्टी वाज प्रेजेंट सेक्सुअल प्रोमिसक्टी मींस आप बाउंड नहीं हो कि आपका एक ही सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए आप जिसके साथ भी चाहो सेक्सुअल रिलेशनशिप अपना इस्टैब्लिश कर सकते हो तो उन सोसाइटीज़ में क्या होता था फेस्टिवल्स पर सेक्स लाइसेंस मिलते थे कि जिसके साथ मर्जी आप उसके साथ अपना रिलेशन इस्टैब्लिश कर सकते हो एक्सचेंज ऑफ वाइव्स होता था वाइव्स को ऑफर करते थे या डॉटर्स को एज गिफ्ट टू गेस्ट्स ठीक है ज़्यादा अपनी हॉस्पिटेबल वो हॉस्पिटेबिलिटी दिखाने के लिए कि मैं हम काफ़ी अच्छे गेस्ट्स हैं तो वो ऑफर करते थे अपनी वाइफ और डॉटर वगैरह को तो ये वाली एक टाइप ऑफ फैमिली थी वहाँ से भी ऑरिजिनेट हो गई इसमें क्लासिफिकेटरी सिस्टम फॉलो होता था देखो क्लासिफिकेटरी सिस्टम क्या हुआ अब अगर सेक्शुअल रिलेशनशिप आप इतने सारे पार्टनर्स के साथ कर रहे हो तो आपका जो फादरहुड है या पेरेंट है वो डिटर्मिन करना आसान नहीं होगा एंड देन इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा ठीक है तो इसमें क्या होता था एक एज ग्रुप ले लो फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी टू थर्टी एग्जाम्पल है ठीक है एक एज ग्रुप के लोग जितने भी आते थे वो सारे कंसिडर होते थे एज पेरेंट्स ठीक है उनको सबको वो मदर और फादर वाली वैल्यू दी जाती थी उसमें एक पर्टिकुलर कोई पेरेंट नहीं होता था ये होता था क्लासिफिकेटरी सिस्टम उस टाइप का ये हमें आगे भी पढ़ना है किनशिप में ये एक टर्मिनोलॉजी है क्लासिफिकेटरी सिस्टम किनशिप चैप्टर में जैसे हम अंकल यूज करते हैं यूजुअली सबके लिए चाहे वो दूध वाला हो अखबार वाला हो ठीक है प्लम्बर हो कोई भी हमारे घर है हम अंकल बोलेंगे सबको तो एक आ, हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव नहीं यूज डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो आप पर्टिकुलर जैसे मासी आप सिर्फ अगर मासी को बोलो या हस्बैंड आप अपना हर किसी को तो नहीं बोल सकते ना या वाइफ तो डिस्क्रिप्टिव हो गया क्लासिफिकेटरी अंकल आंटी जो आप जनरली बोलते रहते हो ठीक है तो वो हमें किनशिप में इन डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आप देखो क्लासिफिकेटरी सिस्टम फॉलो होता था इससे

वो इसको एडवोकेट करते थे पैट्रियार्कल क्या होता है जहां आपकी अथॉरिटी जो होती है वो आपके मेल मेंबर से आती है ठीक है एंड मेट्री आर्कल थियोरी इसमें जब हम इंडियन सोसाइटी का पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत नाम आप याद रखोगे यहाँ पे आपको नहीं रखना है मेट्री इज योर जो आपकी फीमेल सेंट्रिक होती है फीमेल हेडेड या फीमेल अथॉरिटी वाली फैमिली होती है थ्योरी ऑफ पॉलीगैमी जो पॉलीगैमी से फैमिली ओरिजिनेट होती है पॉलीगैनी पॉलीगैनस फैमिली या मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलता है कि काफी पॉइंट्स uh, हैं जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है वो ओरिजिनेट होती है सेटिस्फाई करने के लिए सेक्शुअल नीड परमानेंट कोऑपरेशन ऑफ स्प्रिंग्स के लिए इकोनॉमिक नीड्स के लिए एंड इस नीड के लिए की पार्टनर चाहिए होते हैं जॉयज इन सोरो ऑफ लाइफ शेयर करने के लिए तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ने कहा जिसने वेरियस फैक्टर्स दिए फॉर द ऑरिजिनल फैमिली काफी फैक्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फैमिली का ऑरिजिन कराने के लिए एंड वो ये सारे हैं आपके पास और एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फैमिली ये याद रखना किसने कहा है ये यंग एंड पीटर विलमोट ने दिया है माइकल यंग एंड पीटर विलमोट ने इन्होंने कहा फैमिली इवॉल्व होती है चार स्टेजेस में पहला स्टेज है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी ठीक है देखो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होता है जहाँ पे फैमिली एक्ट करती है एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन उसका क्या मतलब हुआ आप एग्जाम्पल ले लो प्री इंडस्ट्रियल टाइम वो कौन सा हो गया इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश होने से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तो वो आपकी फैमिलीज होगी अग्रेरियन सोसाइटीज अग्रेरियन सोसाइटीज़ ठीक है जो आपका एग्रीकल्चर वगैरह वाली सोसाइटीज़ थी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ तो उसमें क्या होता था हस्बैंड हो वाइफ हो या उनके सिबलिंग्स हो सारे खेत में इकट्ठे काम करते थे तो सारे इकट्ठे प्रोडक्शन करते थे ऐसा नहीं है सिर्फ मेल मेंबर जाएगा और काम करेगा पूरी फैमिली इनफैक्ट बच्चे भी इन्वॉल्व होते थे काम में तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पूरी फैमिली बन गई और बाद में जो वो प्रोड्यूस करते थे वो खुद से कंज्यूम करते थे तो यूनिट ऑफ कंजम्पशन भी पूरी फैमिली बन गई ये पहली स्टेज से अकॉर्डिंग टू यंग एंड पीटर विल सेकंड स्टेज इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसमें प्रोडक्शन क्या बन गई फैक्ट्री यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैमिली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहेगी अब फैमिली सिर्फ क्या रहेगी यूनिट ऑफ कंजन उसमें एक मेल मेंबर होगा वो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली वो जाएगा काम करेगा ठीक है वो एम्प्लॉय हो जाएगा एज वेज अर्नर एंड जब वो जाएगा काम करने के लिए उसको कभी कभी माइग्रेट भी करना पड़ेगा दूसरे स्टेट भी जाना पड़ेगा तो पीछे जो फैमिलीज हैं वो रह जाएंगी फीमेल हेडेड फैमिलीज होता क्या है जब हम एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल में आए अब सोचो जो लोग पहले फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते थे अब क्या हो गया जो वो मैन था या मेल मेंबर ऑफ फैमिली था वो चला गया सिटीज में जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी थी वहां पे एज ए वर्कर काम करने के लिए तो पीछे जो फैमिली रह गई वहां पे मेल मेंबर चला गया उस फैमिली से तो वो जो फैमिलीज है वो बन गई फीमेल हेडेड ठीक थर्ड है जहाँ पे जो किन ग्रुप है वाइडर किन ग्रुप वो स्लोली आइसोलेट होने लगा न्यूक्लियर फैमिली से जब वो अलग हो गए अब मीन अब जॉइंट फैमिली ब्रेक हो रही है ठीक है तो जो फैमिली है वो होम सेंटर्ड बट बन गई इन अ वे कि जो मियाँ बीवी है आपस में उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होने लगा न्यूक्लियर सेटअप में तो कंजुगल गेट uh, तो कंजुगल टाइज कौन से होते हैं कंजुगल जहां पे भी आएगा दैट इज रिलेटेड टू ए मैरिज जो मैरिटल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कंजुगल बोलते हैं और एक टर्म में आगे कंसनग्रीन वो हम आगे देखेंगे वो होते हैं वो बॉन्ड्स जो बेस होते हैं आपके ब्लड रिलेशन पे अब स्टेज फोर हो गया वर्क सेंटर्ड फैमिली बन गई अब ये आपकी मेट्रो सिटीज आ गई जहां पे आप हस्बैंड भी काम कर रहे हैं वाइफ भी काम कर रही करिए दोनों इन्वॉल्व हैं वर्क में तो वर्क सेंट्रिक फैमिली आ गई इनको हम एम टीशल फैमिलीज है एम शेल मैरेजेस भी बोलते हैं ये वो होता है कि आप साथ रह रहे हो एज ए कपल बट नाम के लिए आप कोई बातचीत नहीं करते हो दोनों अपने काम में इन्वॉल्व हो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था यंग विल ने खासकर इस वाले एम शेल वाले के साथ यही नाम एसोसिएटेड है अगर आता है एग्जाम में एम फैमिलीज और फिर विलमोट भी नाम होगा ऑप्शन में और पीटर विलमोट भी होगा एंड यंग भी होगा तो आप यंग विलमोट सेलेक्ट करोगे ठीक है तो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल फैमिली किन्ने दिया था यंग एंड पीटर विलमोट ने इन्होंने और एवोल्यूशन फैमिली दिया था आपको चार स्टेज में अभी सिमेट्रिकल ए सिमेट्रिकल क्या हो फैमिली होता है अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सिमेट्रिकल फैमिली होता है जिसमें मैन एंड वुमेन काइंड ऑफ इक्वल होते हैं ऑल द मॉडर्न सेटअप में भी जहां पे दोनों अर्न कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है दोनों एजुकेटेड है फिर भी मैन का पल्टा भारी रहता है ठीक है विमेन कहीं ना कहीं परमिशन kind of लेनी पड़ती है से कोई काम करने के लिए, लेकिन मोर और लेस पुराने के कंपैरिजन में बहुत हद सिमेट्रिकल हो गया है पुरानी में क्या होता था को बस घर का काम हाउस चोर्स यही काम था सिर्फ बच्चे वगैरह देखना और हसबेंड था ब्रेड विनर तो एक क्लियर कट डिविजन था उन फैमिलीज का उनको हम ए सीमेट्रिकल बोलते थे जब दो चीजें सेम नहीं हो वो चीज ए सीमेट्रिकल होती है सिमेट्रिकल मीन्स आप एक एपल को कट करो दो हाउस में और दोनों हाउस इक्वल हों दैट मीनस वो सिमेट्रिकल है ठीक है तो सिमेट्रिकल हुआ आपके जब पे हस्बैंड वाइफ और ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे आने लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो प्रैक्टिकलिटी में अभी भी वो इक्वल नहीं है तो ये स्टेजेस हो गए आपके यंग एंड विल की आगे देखते हैं मॉर्गन थीरी ऑफ ऑरिजिनल फैमिली इन्होंने कौन से टाइप किए थे कॉन्सनगन फैमिली पुनालियन फैमिली सिंडी एसमेनियन एसमियन फैमिली पेचियारकल एंड मोनोगेमी ठीक है तो कैंसनगन फैमिली कौन सी होती है जहाँ पे मैरिज होती है बिटवीन ब्लड रिलेटिव मैंने कहा था आपको दो तरीके के बॉन्ड होते हैं कंजुगल जहां पे भी लिखा होगा मैरिटल रिलेटेड बॉन्ड होंगे एंड कंसनगुइन जहां पे लिखा होगा वो आपके ब्लड रिलेटेड बॉन्ड्स होंगे तो जो मैरिज होती है बिटवीन ब्लड रिलेटिव जैसे सिबलिंग्स वगैरह तो उनको हम बोलते हैं कंसनगुन फैमिली तो इनका मानना था पहले आपकी कंसनग्विन फैमिलीज आ गई जहां पे मैरिज होती थी बिटवीन सेम ब्लड ग्रुप्स इंक्लूडिंग योर सिब्लिंग्स एंड कजन वगैरह तो पुनल फैमिलीज हो गई जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फीमेल एक ग्रुप ऑफ मेल के साथ शादी करता था तो इसकी ये कंडीशन थी या तो जो फीमेल ग्रुप है वो आपस में सिस्टर्स होती थी सारी वो एक मेल ग्रुप के साथ शादी करते थे जो मेल्स होते थे वो भाई नहीं होते थे या तो इसका उल्टा होता था जो मेल्स होते थे सारे वो आपस में ब्रदर्स होते थे मेल ग्रुप जो है वो बायू का ग्रुप होता था बायू का और वो शादी किनसे करते थे एक फीमेल ग्रुप के साथ जो आपस में सिस्टर्स नहीं होती थी ये जो ब्रदर्स है जरूरी नहीं मतलब सगे बाई हो कजन वगैरह रिलेटिव्स भी जो रिलेटेड होते थे एक दूसरे से ठीक है सिंडिसमेन फैमिली हो गई जहाँ पे आपकी सिंगल पेयर फैमिलीज हैं सिंगल पेयर तो इसमें आप एक दूसरे पे सेक्सुअल रिलेशनशिप थोप नहीं सकते ठीक है इसमें उसका ज्यादा मतलब फोर्स नहीं कर सकते सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर को पेट्रीआरकली नो जहाँ पे जो मेल अथॉरिटी है वो किसके पास होगी मेल के पास एंड फैमिली अराइजिंग आउट ऑफ मोनोग्राम मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ फैमिली भी है एक कपल होगा जहाँ पे मेल एंड फीमेल एंड देन उनके प्लस माइनस चिल्ड्रन बच्चे हों या ना हो ठीक है ये होगा मॉर्गन का एंड मार्क्स इन परस्पेक्टिव मार्क्स इन पर्स्पेक्टिव वो थिंकर्स का होगा जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी लेके आते हैं कार्ल मार्क्स मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी बेसिक रूट कहाँ से स्टार्ट होता है आपके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से जो सोसाइटी में हुई है थ्रू कैपिटलिस्ट फेडरिक एंजल्स इन्होंने लिखी थी इनका एक आर्टिकल था ऑरिजिनल फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट तो ये नाम याद रख लेना बेसिकली ने क्या कहा था कम्युनिस्ट वही वाली पुरानी जो हमने अभी पढ़ा था कि कम्युनिज्म या प्रिमेटिव कम्युनिस्ट जो सोसाइटीज थी वहाँ पे प्रोमिसक्यूटी थी दैट मीन्स आप बाउंड नहीं थे सेक्ल रिलेशनशिप किसी के साथ भी बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये कौन सा था प्रमेटिव वाला टाइम था बहुत पुराना प्रिमेटिव कम्युनिज्म तो हम इंडस्ट्रियल सेटअप में आए और फैमिली स्ट्रक्चर जो है आपका मॉडर्न इंडस्ट्री में चेंज होता गया और अल्टीमेटली हम किस पे आ गए मोनोगी पे ये मार्क्स इन पर्सपेक्टिव है ठीक तो, है फंक्शन और डिसंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी मैंने आपको फंक्शन बोला था dysfunction नहीं बोला था ठीक है तो फंक्शन में और एक नाम भी आप याद रख लेना टेलकॉट पार्सन अब देखो जो नाम एक तो जनरल फंक्शन ऑफ द फैमिली वो आप क्वेश्चन में खुद भी आइडेंटिफाई कर पाओगे फैमिली का फंक्शन क्या हो सकता है लेकिन जो नाम लेके फंक्शन है वो आपको पढ़ना याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए प्राइमरी सोशलाइजेशन एडल्ट स्टेबलाइजेशन किस थिंकर ने कहा था कि ये फंक्शन ऑफ फैमिली है तो वो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तो इन्होंने कहा था टेलकॉट पास ने फंक्शन ऑफ फैमिली दो होते हैं एक तो आपको अर्ली सोशलाइजेशन होती है जब बच्चा पैदा होता है उसको कौन सोशलाइज करता है उसके पेरेंट्स करते हैं ठीक है उसके दादा दादी करते हैं दैट मीस बहुत क्लोज फैमिली होती है वहाँ से बच्चे की सोशलाइजेशन होती है एंड देन जब वो बड़ा हो जाता है जब वो सोसाइटी का एक मेंबर बनने शुरू हो जाता है और तो उसको स्टेबलाइज कौन करता है फैमिली कैसे स्टेबलाइज करती है उसको सपोर्ट करके इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके ठीक है वो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके वो एक एडल्ट की स्टेबलाइजेशन भी करती है तो ये किन कहा था टेलकॉट पास तो देखो डिसफंक्शन ऑफ फैमिली जो है आप क्या डिस्फंक्शन बोल सकते हो फैमिली के कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म करता है फैमिली इंडिविजुअल अटोनमी अपनी फ्रीडम काफी कम होती है अपने वैल्यूज थोप करता है अगर पेरेंट्स के बीच में लड़ाई चल रही होगी तो बच्चों पे इसका काफी असर पड़ता है फैमिलीज ब्रेक होती हैं तो बच्चों पर असर पड़ता है तो ये सारे इसके डिस्फंक्शन हो सकते हैं हम इसमें क्या करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है और जो उन्होंने इसमें कुछ बुक्स वगैरह आर्टिकल्स लिखी हैं वो आपको याद रखनी होंगी वोगल एंड बेल ने लिखा था इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड एज अ फैमिली स्केप गोट ठीक है जो इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड फैमिली क्या करती है बच्चे को बली का बकरा बनाती है ठीक है अगर उनके आपस में लड़ाई चल रही है कपल के बीच में तो उसका बली का बकरा कौन बनता है बच्चा बनता है क्योंकि फिर अपनी जो रूडनेस है वो किस पे निकालते हैं बच्चे पे निकालते हैं तो ये वोगल एंड बेल ने कहा था इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड जो है वो एक्ट करता है फैमिली स्केप एडमंड लीच ने कहा था वर्ल्ड लिखा था इन्होंने इन्होंने क्या कहा था जो आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज है वो किन्स ग्रुप से बहुत दूर हो गई है अब क्योंकि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो अगर कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि अब वो एल्डर्स के साथ नहीं रहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अरानवे वर्ल्ड वर्ल्ड में लिखा था एडमंड लीच ने आर डी लिंग ने पॉलिटिक्स ऑफ

के टाइप्स काफी हम कुछ कुछ बेसिस पे डिवाइड करते हैं जैसे मैरिज के बेसिस पे क्या टाइप्स हैं रेजिडेंस के बेसिस पे क्या टाइप्स हैं एंसेस्ट्री या डिसेंट के बेसिस पे क्या टाइप्स हैं ठीक है मैरिज के बेसिस पे पॉलीगैमस पॉलीगैनस पॉली एंड्रस फैमिलीज ये आपको पता ही है हमने मैरिज में डिस्कस किया है ऑन द नेचर ऑफ रेजिडेंस दैट मीन आपकी जो फैमिली बनती है आप कहाँ रहते हो रिजाइड कहाँ करते हो उस बेसिस पे भी फैमिलीज है या तो फैमिली ऑफ मेट्री लोकल होगा मेट्री लोकल दैट मीन शादी के बाद आप जो लड़की के घर है वहां रहोगे लड़की के घर में उसको अग्जोरे लोकल रेजिडेंस भी बोला जाता है ये याद रख लेना फैमिली ऑफ पेट्री लोकल पेट्री लोकल मीन जहां पे शादी के बाद आप लड़के के घर में रहोगे ठीक है तो उसको विरे लोकल भी बोला जाता है फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस चेंज होती रहती है न्यू लोकल होता है कपल अलग से रहता है अलग घर में शादी के बाद ठीक है डुओ लोकल होता है और बाय लोकल होता है डुओ लोकल हुआ आपका जहाँ पे जो कपल होता है वो सेपरेट रेजिडेंस में रहता है या तो हो सकता है वो माँ के घर में रहे ठीक है और इसमें जो कपल होता है लड़की माँ के घर में रहे एंड लड़के फादर लड़का जो है वो फादर के घर में रहे तो कपल इसमें सेपरेटली रहते हैं डूओ लोकल में बाय लोकल इसको एम बी लोकल भी बोलते हैं इस फैमिली में क्या होता है मैरिज के बाद जो कपल्स होते हैं अपना रेजिडेंस चेंज करते रहते हैं कभी जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के घर में रहती है कभी जो हस्बैंड होते हैं वो वाइफ के घर में रहने आते हैं इसको बाय लोकल या एम बी लोकल भी बोला जाता है ऑन द बेस ऑफ एंसेस्ट्री एंड डिसेंट आप अपनी एंसेस्ट्री कहाँ से लोकेट करते हो या प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिलती है इन सिंपल टर्म्स अगर वो मदर के साइड से मिलेगी

अनकनसिग्वेंट फैमिलीज होगी जहाँ पे आपका ब्लड बॉन्ड जो है ब्लड रिलेटिव का वो स्ट्रांग हो दैट इज आपस में सिब्लिंग्स वगैरह का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ठीक है तो जो आपकी ज्वाइंट फैमिलीज होती है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कहीं कही ना कहीं वो कंजुगल बॉन्ड वहाँ पे सप्रेस होता है और कंसिग्वेंट बॉन्ड्स को वहां पे ज्यादा प्रमोट किया जाता है आपस में सिब्लिंग्स का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और हस्बैंड वाइफ उतने अच्छे से नहीं रह पाते कंपाउंड फैमिलीज हो गए जहाँ पे अलग डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो होती है नंबर ऑफ़ डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज़ अगर साथ रहेंगी या साथ रहना इनका एक ज़रूरी ये भी नहीं है इसमें कोई कंडीशन ये साथ रह भी सकते हैं साथ नहीं भी रह सकते हैं एक घर में लेकिन कंपाउंड फैमिलीज़ होता है जिसमें एक नंबर ऑफ़ डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं वो कैसे हो सकती हैं आपकी पॉलीगाइनस फैमिलीज़ है पॉली एंड्रस्ट फैमिलीज अगर काफ़ी होंगी तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कंपाउंड फैमिलीज स्टेम फैमिली जो है लीपले ने कॉन्सेप्ट दिया था नाम याद रख लेना किन्ने दिया था बेसिकली स्टेम फैमिलीज क्या होता है पेट्रियाकल ज्वाइंट फैमिली ही है एक यूरोपियन स्ट्रक्चर और पेट्रियाकल ज्वाइंट फैमिली उसको स्टेम फैमिली बोलते हैं फाइन ये भी आपस ये फैमिली स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है क्यों क्योंकि माइग्रेशन की वजह से आपको काम की वजह से मेल मेंबर को वहां से निकलना पड़ता है या फीमेल्स को भी निकलना पड़ता है तो ये ज्वाइंट स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता है ये किसने नाम दिया था लीपले ने स्टेम फैमिली का ही नाम भी याद रख लेना न्यूक्लियर फैमिली देख लो डिस्कसिंग द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इन इंडिया जो पॉलिन कॉलेंडा है उन्होंने कुछ डिस्कस किया था न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में वो हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली होता क्या है कपल है आपका प्लस माइनस चिल्ड्रन विद और विदाउट चिल्ड्रन आगे क्या आ गया आपका सप्लीमेंटरी न्यूक्लियर फैमिली अब देखो न्यूक्लियर फैमिली यू नो जहाँ पे कपल रहता है विद और विदाउट प्लस माइनस चिल्ड्रन ठीक है अब सप्लीमेंटरी सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा जहां पर सप्लीमेंटेड वर्ड है दैट मीनस कोई चीज ऐड हो रही है कोई चीज सप्लीमेंट हो रही है अब इसमें क्या होगा सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली में और कुछ ऐड होगा तो क्या ऐड हो रहा है एक अनमेरिड सेपरेटेड और विदाउट रिलेटिव ऑफ द पेरेंट्स अदर देन द अनमेरिड चिल्ड्रन पेरेंट्स और अनमारेड चिल्ड्रन आपका न्यूक्लियर फैमिली बन गई अनमैरिड क्योंकि अगर वो मैरिड होगा तो ज्वाइंट फैमिली बन जाएगी ठीक है पेरेंट्स अनमेरिड चिल्ड्रन प्लस कोई रिलेटिव रहता है आपका वो रिलेटिव जो अकेला होगा या तो शादी नहीं हुई है सेपरेट हो गया विडो या तो उसका हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई है विडोड रिलेटिव ठीक है तो ये सारी चीजें मिला के बनाते हैं आपका सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली सब न्यूक्लियर फैमिली ये एक फ्रेगमेंट है फॉर्मर न्यूक्लियर फैमिली का ही जो अर्लियर एक न्यूक्लियर फैमिली थी लेकिन हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है तो चाहे वो हस्बैंड की डेथ हुई हो या वाइफ की डेथ हुई हो दैट मीनस विडोवर बन गया हो आदमी या औरत विडो बन गई हो वो अपने अनमैरिड चिल्ड्रन के साथ अनमैरिड चिल्ड्रन या सिबलिंग्स के साथ रह रही है ठीक है लिविंग टूगेदर वो सब न्यूक्लियर फैमिली है सिंगल पर्सन हाउस होल्ड यू नो एक अकेला इंसान सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली क्या हुआ सब न्यूक्लियर फैमिली जो हमें पता है हमने अभी पढ़ा प्लस कुछ चीज उसमें सप्लीमेंट हुई वो क्या सप्लीमेंट हुई है अनमेरिड डिवोर्स विडोड रिलेटिव ठीक है जो पार्ट मेंबर नहीं है न्यूक्लियर फैमिल का फॉर इंस्टेंस अडो एंड हर अनमेरिड चिल्ड्रन जो है मे बी लिविंग टुगेदर विडो एंड अनमेरिड चिल्ड्रन ठीक है ये आपका बन गया एक सब न्यूक्लियर फैमिली वो रह रही है किसके साथ विदाउट मदर इन लॉ के साथ फॉर एग्जांपल ठीक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज इजी टू फाइंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ फैमिली हाउएवर अगर सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के हिसाब से देखें तो इसको एक ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे जहाँ पे सास भी साथ में रहती है तो आपको एक ज्वाइंट फैमिली कंसिडर करोगे लेकिन एक्चुअली में ये क्या है ये एक सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली है तो आई नो हमें ऐसे ही आगे पांच छह टाइप्स ज्वाइंट फैमिली के भी पढ़ने हैं अगेन आई वुड सजेस्ट आप क्या करोगे आप अपने रफ नोट्स पे एक चार्ट बनाओगे न्यूक्लियर फैमिली के टाइप्स लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे कौन से टाइप की न्यूक्लियर फैमिली है और यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उसमें कौन उस स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है ठीक है तो वो आपका पार्ट बन जाएगा रिविजन करने के लिए जो काफी ईजी होगा अब हम देखते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली मच हैज़ बीन रिटन अबाउट द जॉइंट फैमिली सिस्टम स्पेशली द हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैमिली स्ट्रक्चर पढ़ने के हिसाब से एंड सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तो पेट्रोलिनियल पेट्रोलोकल जो है ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रॉपर्टी ट्रेस होती है फादर के साइड से एंड शादी के बाद लड़की कहाँ रहती है लड़के के पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्टी ओनिंग प्रॉपर्टी उनमें शेयर होती है को रेजिडेंशियल इकट्ठे रहते हैं एंड कॉमनसल ज्वाइंट प्रॉपर्टी कॉमन क्या होती कॉमनसल जॉइंट फैमिली कॉमन जहां पर भी आप देखोगे दैट इज द एक्ट ऑफ इंटरटाइनिंग दैट मीन खाना आप एक साथ खाते हो ठीक है एक साथ बैठ के खाना खाते हो कंप्राइजिंग थ्री और मोर जनरेशन हैज बिन डिपेक्टेड एज एन आइडियल फैमिली यूनिट ऑफ हिंदू सोसाइटी तो जॉइंट फैमिली कॉमनली डिफाइंड एज थ्री अ थ्री जनरेशन फैमिली या थ्री से फिर आगे ज्यादा लेकिन मिनिमम थ्री होती है जिसमें एक मैरिड सन होगा हस्बैंड वाइफ होगा ठीक है उसके फिर ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे और एक आगे ग्रेट ग्रैंड फादर होगा ठीक है तो तीन जनरेशन रह रही होंगी दादू आपके दादू आपके डैड एंड देन आपकी फैमिली आगे फाइन तो इसको हम क्या बोलते हैं जहां पे थ्री जनरेशन रह रही होती हैं एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इन ज्वाइंट फैमिलीज में क्या होता है एम्फेसिस होता है कंजुगल टाइप पे कंजुगल मैंने कहा कौन सा बॉन्ड होता है मेरिटल बॉन्ड तो एम्फेसिस नहीं होता है इसमें क्या होता है एम्फेसिसन कंजुगल टाइज जो है वो कम किया जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं जॉइंट फैमिली में अगर आपका कंजुगल बॉन्ड ज़्यादा होगा दैट मीन्स हस्बैंड वाइफ की अगर ज़्यादा बनेगी तो आपकी अपने सिबलिंग्स के साथ जो रिश्ता है वो कम हो जाएगा जो लड़का है उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता कम हो जाएगा तो जॉइंट फैमिलीज में कंजुगल फैमिली बॉन्ड्स को सप्रेस किया जाता है ताकि जो फीलियल रिलेशनशिप है फीलियल बॉन्ड्स हम बोलते हैं फादर सन का एंड फ्रेटर्नल बॉन्ड हम बोलते हैं जो सिबलिंग्स का होता है इसमें कंजुगल बॉन्ड्स को सप्रेस किया जाता है ताकि आपके फीलियल एंड आपके फ्रेटर्नल बॉन्ड पे कोई असर ना पड़े फीलियल एंड फ्रेटर्नल बॉन्ड पे असर ना पड़े इस वजह से शादीशुदा शुदा, शादी का शादीशुदा कपल जो होता है उनको सप्रेस किया जाता है जॉइंट फैमिली में उनका बॉन्ड डेवलप ज़्यादा होने नहीं दिया जाता है अब जॉइंटनेस आप कैसे बोल सकते हो कॉमन सैलिटी इकट्ठे खाते हो रेजिडेंस सेम है जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है इसमें कॉपरसिनरी एक कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है कि आपका बर्थ राइट है आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे तो पहले ये सिर्फ मेल के पास था कि सिर्फ मेल अब बोलता बोल सकता मांग सकता था अपने प्रॉपर्टी का शेयर किसी भी टाइम पे क्योंकि ये उसका एज अ मैटर ऑफ बर्थ राइट था लेकिन उसके बाद इस एक्ट को अमेंड किया गया सक्सेशन एक्ट को टू में अब फीमेल्स जो है वो भी डिमांड कर सकती है उनको भी ये जो है कॉपरेशनरी और बर्थ राइट जो है वो दिया गया है एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉपरेशन एंड सेंटिमेंट ऑफ ज्वाइंटनेस होती है रिचुअल बॉन्ड्स लाइक वर्शिप ऑफ कॉमन डायटी ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है एक ही डायटी की यूजली वो, वो वर्शिप करते हैं ठीक है उनके बीच में सेंटिमेंट एंड कॉपरेटिव कॉपरेशन वाले वैल्यूज भी होते हैं अब देखो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली ये अगेन जैसे हमने न्यूक्लियर फैमिली पढ़ा था वैसे ज्वाइंट फैमिल ये भी पांच छह चीजें आपको याद रखनी है टेबल बना के वैसे फॉर्मेट में बना के अपने नोट्स में कर लेना और साथ साथ बार बार उसको रिवाइज करते रहना पॉलिन कॉलेंडा ने क्या कहा था ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव को लिटल ज्वाइंट फैमिली होता है इसमें दो या दो से ज्यादा मैरिड कपल्स रहते हैं बिटवीन होम देर इज अ अबलिंग बॉन्ड दैट मीन दो शादीशुदा भाई

लीनियल होता है जहां से आप लीनेज ट्रेस करते हो जैसे फादर हो गया फिर सन सन हो गया सन का फादर हो गया ग्रैंड फादर हो गया ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया वो एक लाइन बनती है एक लीनज बनती है लाइक बिटवीन अ पेरेंट एंड हिज मैरिड सन और समाइम्स बिटवीन अ पेरेंट एंड हिज मैरिड डॉटर लिव टूगेदर ठीक है दो कपल्स रहते हैं हस्बैंड है, है यहाँ पे और ये वाइफ है फिर हस्बैंड की लीनियज कहां से होगी उनके डैड और उनके डैड ठीक है तो ये हो सकता है लीनियल ज्वाइंट फैमिली में या जो वाइफ है वाइफ की मदर उनकी मदर ठीक है ऐसे करके या तो आप अपने मैरिड सन के साथ रह रहे हो या मैरिड डॉटर के साथ रह रहे हो तो वो आपकी लीनियल ज्वाइंट फैमिली होती है सेकेंड इज यू सप्लीमेंटेड अगेन उसको कौन सप्लीमेंट करेगा अनमैरिड डिवोर्स और विडोड रिलेटिव और आपका लीनियल कोलेट्रल ज्वाइंट फैमिली अब कोलेट्रल ज्वाइंट फैमिली आपको पता है दो मैरिड ब्रदर्स फॉर इंस्टेंस वी कैन हैव अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर टू और मोर मैरिड सन्स टुगेदर विद द अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ द कपल ठीक है इसमें ऐसे स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज लगता है अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा टेबल बना के फिर रिवाइज करना दो मैरिड सन्स हैं और ये आपस में ब्रदर्स हैं ठीक है और उनके अनमैरिड बच्चे हैं तो ये आपकी क्या बंदे है कोलेट्रल ज्वाइंट फैमिली अब लीनियल क्या होगा एक पेरेंट या तो फादर ठीक है अगर या तो आप सिबलिंग uh, दूसरा जो है वो बहन है मैरिड सिस्टर है उसकी मदर वो साथ रहेंगे ठीक है एक लीनेज वाले लोग जो है आपस में वो को फैमिली के साथ रहेंगे टू थ्री और मोर कपल्स आर एंड जो लीनियल भी लिंक होगा आपस में को Co लिंक हमने अभी क्या पढ़ा जो दो मैरिड है, ब्रदर्स हैं एंड लीनियर लिंक क्या पढ़ा बच्चा एंड बच्चे का फिर फादर तो इसमें लीनियर लिंक भी आ जाएगी एंड को लेटर लिंक भी आ जाएगी सप्लीमेंटेड क्या होगा एक रिलेटिव साथ रहेगा वो कौन होगा अनमेरिड विड और सेपरेट रिलेटिव बिलोंग टू वन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज ये हो गए इसके ये टाइप थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं ये वीडियो आप एक दो बारी रिपीट कर लेना ये पांच छह पॉइंट एंड साथ, साथ में आप नोट डाउन करते रहना तो रिवीजन में आपका ही सिंपल हो जाएगा अनफिल द पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ने क्या किया था बोला था प्रॉपर्टी कैसे ट्रेस होगी तब उससे जब ये एक्ट नहीं पास हुआ था तब तक क्या किस चीज से हम ट्रेस करते थे उसके पास उसके लिए हमारे पास दो स्कूल थे एक मिताक्षरा स्कूल था एंड एक दया स्कूल था मिताक्षरा स्कूल क्या कहता है जो सन है उसका राइट right है एनसेस्टर प्रॉपर्टी में फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ ठीक है द फादर कैन नॉट गिव अवे एनी पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू एनी डेटरमेंट ऑफ इज सन इंटरेस्ट दैट मीन सन के इंटरेस्ट के अलावा सन के अलावा वो अपनी मर्जी से किसी और को नहीं दे सकता ऐसा नहीं हो कि सन के साथ नहीं बनती तो वो प्रॉपर्टी किसी और को थी मिताक्षर स्कूल के अकॉर्डिंग ही नहीं होता था सन जो है एज ए मैटर ऑफ बर्थ उसको वो राइट right है एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे दयाबागा में क्या था फादर के पास अथॉरिटी है ही इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ इज शेयर मिताक्षर में वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं था क्योंकि जो बेटा है वो कभी भी डिमांड कर सकता है बेटे को राइट right मिला है लेकिन इसमें फादर के पास राइट right है वो प्रॉपर्टी किसको दे जस, जिसकी उसकी जिसको उसकी वो चाहे उसको वो प्रॉपर्टी दे ये किस में होता था दयाबागा में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आया था विद द पासिंग ऑफ एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस आ गया जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल हिंदू है जिसने अभी अब तक अपनी विल नहीं बनाई होगी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इक्वल शेयर्स में डिवाइड होगी बिटवीन हिज सन डॉटर विडो एंड मदर ठीक है इक्वल शेयर में प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई ये था अकॉर्डिंग टू दिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स मेल एंड फीमेल अर्थ कॉमन है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में आया था फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया था कॉपरसिनरी वाला जो मैंने आपको बताया था वो हम इसमें देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट इज दैट एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाई अ फीमेल हिंदू जो है वो वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और जो मर्जी उस का कर सकती हैं ये किसका फीचर है हिंदू सक्सेशन एक्ट का ठीक है द एक्ट हैज आल्सो गिवन अ वुमेन उनके पास ये भी राइट है वो इनहेरिट करें प्रॉपर्टी फादर से भी और अपने हस्बैंड से भी ठीक तो हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े पहला इक्वल शेयर हो जाएगा बिटवीन सन डॉटर विडो एंड मदर सेकेंड इज कि वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी क्या करें थर्ड थर्ड इज इनहेरिट करते हैं फादर से भी एंड हजब से भी हाउ एवर दुम टू द राइट ऑफ मेल में मेल मेंबर्स के पास क्या था कॉपर्सनरी एक्ट कॉपर्सनरी इनके पास पावर था राइट टू कॉपरसनरी दैट इज योर एनसेस्ट्रल राइट ऑन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ ये सिर्फ मेल्स के पास था एज अकॉर्डिंग टू यर हिंदू सक्सेशन एक्ट लेकिन इस एक्ट को टू थाउजेंड फाइव में अमेंड किया गया Women, इस act के नया वर्जन आया होता है वही आपका जो होता है वो फॉलो करना होता हैल प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज ठीक है right marriage, ये था पहले रूल जो था अमेंडमेंट से पहले अमेंड किया गया इसको टू थाउजेंड फाइव में और उसके बाद बोला गया वुमेन नाउ होल्ड कॉपर्सनरी स्टेटस विद इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ओवर द राइट भी इक्वल एंड लाइबिलिटी भी इक्वल है उस प्रॉपर्टी पे तो उससे पहले सिर्फ मेल uh, थे कॉपर्सनरी उनको माना जाता था लेकिन 2005 के बाद जो फीमेल्स हैं उनको भी जो घर की बेटियां हैं उनको भी कॉपर्सनरी राइट जो है वो दिया गया दैट मीन उनको बाय बर्थ जो है वो राइट दिया गया एंड प्रॉपर्टी पे वो कभी भी अपना शेयर उसमें से डिमांड कर सकती हैं यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना आप बोलोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई हिंदू मेल मर जाता है विल बनाने के बगैर विल बनाने के बगैर मर गया तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी बिटवीन सन डॉटर और जो उनकी वाइफ होगी विडो एंड अगर उनकी मदर साथ रहती है ठीक है उसके बीच में इक्वल शेयर डिवाइड हो जाएगा लेकिन कॉपरसनरी होता है कि ये सिर्फ मेल के पास राइट था कि जब भी उसकी मर्जी है वो प्रॉपर्टी में डिमांड कर सकता है कि डिवाइड करो प्रॉपर्टी मुझे अपना हक दे दो वो जो प्रॉपर्टी को डिवाइड करो मुझे अपना हक दे दो सिर्फ मेल्स के पास था हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग लेकिन इसको टू में अमेंड किया और वो फीमेल्स को भी वो रूल वो जो लॉ है उन पे भी एप्लीकेबल किया और फीमेल्स को भी वो राइट दिया कि वो भी अब कभी भी डिमांड कर सकती हैं और ये वाली कंडीशन क्या है अगर वो कब अगर वो डेथ हो जाएगी इंटरस्टेट दैट मीन्स अभी तक कोई विल नहीं बनाई होगी ठीक अब हो गया एंड मेट्रियाल ज्वाइंट फैमिली पेट्रियार्कल फादर सेंटर इज योर मदर सेंटर मदर ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स देखते मैंने आपको कहा था इंडिया इंडियन कॉन्टेक्ट में जब भी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे कुछ नाम देखेंगे पेट्रियार्कल ज्वाइंट फैमिलीज हमें मिलती है नंबुदारी ऑफ मलाबार में मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर एंड अंगमी नागाज ऑफ आसाम में जो नंबूदारी ज्वाइंट फैमिली है इसको इलोम बोलते हैं आई डबल एल ओ एम ठीक है -L -L ये नाम याद रख लेना काफी इम्पोर्टेंट नाम है और सोशोलॉजी की जो कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम्स होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं मेट्री आर्कल ज्वाइंट फैमिल जो है फाउंड अमंग द नायर्स ऑफ खासीज एंड गारोज लिविंग ऑन गारो हिल्स ऑफ आसाम और इनको मैंने क्या कहा था नंबूदारी ब्राह्मण है ये बेसिकली जो नंबूदारी ज्वाइंट फैमिली है उसको क्या एक हाउस होल्ड यूनिट को क्या बोला जाता है इलोम और जो नायर ऑफ मलाबार है नायर्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली है उनको क्या बोला जाता है एक हाउस होल्ड यूनिट को तरावद एक घर को एक यूनिट को क्या बोलते हैं इनके तरावद ठीक है फैमिली इज नॉट डाइंग आउट के एम कपाड़िया ने कहा था जनरल दैट द फैमिली इज इज डाइंग आउट इनवैलिड वो इन्होंने क्यों कहा था वो मैं आपको बताती हूँ देखो अभी बोला जाता है मॉडर्न सोसाइटी के आते आते जो ज्वाइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है ठीक है अगर कहीं भी आप मॉडर्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉडर्न सोसाइटी के रिलेटेड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रिलेटेड और वहां पे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर का कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या वो वीकन हो रहा है आपको हमेशा याद रखना है मॉडर्न बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न सोसाइटी बेस्ड वहां पे आपको न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आपका आंसर होना चाहिए और अगर प्रिमेटिव सोसाइटीज प्री मॉडर्न सोसाइटीज या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां पे आपका आंसर होना चाहिए जॉइंट फैमिली की तरफ ठीक है ये जनरल रूल है लेकिन के एम कपाडिया स्पेसिफिकली अगर नाम आता है या ऐसे करके कोई क्वेश्चन आता है जो मैं भी आपको बोलने वाली हूँ उन्होंने कहा था ज्वाइंट फैमिली इज डाइंग आउट ये इनवैलिड चीज़ है क्यों अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हो हम काफी रहते होंगे न्यूक्लियर फैमिलीज में आपने देखा भी होगा लेकिन जो ज्वाइंटनेस है फैमिली की वो अभी भी सेम है वो कैसे कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अगर उसके पेरेंट्स अलग भी रहते हैं लड़के के या लड़की के भी इनफैक्ट तो वो पहले अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करते हैं उनकी परमिशन फिर भी वो लेते हैं ठीक है या कोई भी ऐसा अगर फेस्टिवल परफॉर्म करते हैं वो अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं करेंगे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए भी तो वो जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ वो खत्म नहीं होता है तो ऑल दो हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है जहां पहले एक घर में तीन फैमिलीज रहती थी, थी वो तीन हाउस होल्ड यूनिट्स में रहते हैं लेकिन जो ज्वाइंटनेस थी जो सेंटिमेंट था कि हम सारे एक ही घर के हैं वो सेंटिमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है ठीक है सिर्फ आपका हाउस होल्ड यूनिट चेंज हुआ है एक ज्वाइंट फैमिली से तीन हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स निकले हैं लेकिन जो सेंटिमेंट है एसोसिएटेड सेंटिमेंट ऑफ ज्वाइंटनेस वो अभी भी वही है इस वजह से के एम कपाड़िया ने क्या कहा था ज्वाइंट फैमिली डाइंग आउट ये चीज इनवैलिड है ये एक आ, ये है टेबल ये आप आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि कैसे करके आपको अपने एग्जाम में इसको इसके रिलेटेड नोट्स बनाओगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए ये फिर रिवाइज करना कंजुगल फैमिली मैरिड कपल वाली कंसिगन फैमिली होगी जो रिलेटेड बाय डिसेंट आपके जो ब्लड रिलेटेड होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ वन और मैरिड वन और मोर मैरिड पेयर उनके चिल्ड्रेन एंड अदर न्यू रिलेटिव फैमिली ऑफ ऑरियंटेशन होता है जहाँ पे आप पैदा होते हो फैमिली ऑफ प्रोगेशन होता है जहाँ पे आप पेरेंट बनते हो दैट मीस जहाँ पे आपकी शादी होती है किन इज योर रिलेटिव या थ्रू मैरिज uh, आपको वो रिलेशन मिलती है या थ्रू ब्लड मिलती है ठीक है ये हम किनशिप में डिटेल में पढ़ेंगे मेट्री आर कीज मदर डोमिनेटेड मेट्री फोकल फैमिलीज होती है जहाँ पे मैरिड कपल्स सेटल इन द होम ऑफ वाइल मेट्री लोकल सॉरी मेट्रीलोकल होती है जहाँ पे कहाँ सेटल होते हैं वाइफ की फैमिली होती है वाइफ की फैमिली के साथ लड़का रहने आता है और पेट्रीलोकल इसका ऑपोजिट मोर्स हमने पढ़ लिया था न्यूक्लियर फैमिली यू नो एंड पेट्री आर की फादर ठीक है या जो फादर एज हेड ऑफ द हाउस होल्ड डोमिनेटेड फैमिली होती है देखिए यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया वो स्लाइड में इंक्लूड नहीं हुआ था मेट्रीफोकल एंड पेट्रीफोकल मेट्रीफोकल एंड पेट्रीफोकल मेट्रीफोकल होता है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ में जो वाइफ होता है उनका या मदर आप मान लो मदर का पल्ला थोड़ा भारी होता है ठीक है वो थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करती है बच्चों के लाइफ में एज कंपेयर टू ए फादर मेट्रीफोकल इसका उल्टा हुआ अब आप बोलोगे मेट्रिकोकल आपको दिमाग में आ रहा होगा तो मेट्री आर्कल भी तो वही होता है नहीं मेट्रिक फोकल में डोमिनेंट वाला आस्पेक्ट ये नहीं होता कि मदर ज़्यादा डोमिनेंट है और बिल्कुल अथॉरिटी माँ के पास है नहीं वो थोड़ा रोल प्ले ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फादर मेट्री आर्कल तो बिल्कुल वो ना अथॉर्टी माँ के पास है फादर का कोई से ही नहीं है तो यहाँ पे डिफरेंस यह है इनमें मेट्री फोकल में पूरी डोमिनेंस नहीं होती है मदर की बस रोल प्ले थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है एज ए लीडर बच्चों की लाइफ में ठीक है और ये तो बिल्कुल ही होता है ना फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर कौन गवर्न करेगा वो मेट्रीआर्कल होता है मेट्रीफोकल को मेट्रीसेंट्रिक भी बोला जाता है और पेट्रीफोकल और पेट्रीआरकल इसका ऑपोजिट है ठीक है तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं किनशिप का वीडियो अपलोड करूंगी सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे वो क्विज अटेम्प्ट करें जरूरी एंड मुझे फिर वो आंसर्स लिख के भेजें आई विल गिव यू अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे